चाहे वो चमकने वाली हो नॉन चमकने वाली हो, उनको यूज कैसे करना है हम कभी नहीं समझ सकते। तो आपके दोस्त नहीं समझ सकते कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, दुनिया ऐसी है, लेकिन अपन क्यों हो ऐसे? जरूरत है क्या? जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उस मुकाम की अंडरस्टैंडिंग बदलते हैं, नहीं तो अभी क्या है, अपन हाथ पैर मार रहे हैं अंधेरे में। दर्द के साथ आता है नॉर्मली। हर चीज के अंदर वैल्यू है, जरूरी नहीं है सिर्फ जो चमक रहा है उसके अंदर वैल्यू है, हर चीज के अंदर वैल्यू है। हमें अपनी अगर वैल्यू नहीं समझ में आए ना, तो हम बाहर जिन चीजों के अंदर वैल्यू है, चाहे वो चमकने वाली हो नॉन चमकने वाली हो, उनको यूज कैसे करना है हम कभी नहीं समझ सकते। अब जैसे आप वृंदावन अगर जाना चाहते हो, तो आपके दोस्त नहीं समझ सकते कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। और अगर आपने भी यही कोशिश करी कि आप उनके माइंडसेट में फंसे हुए, तो आप भी इसको कैसे यूज कर सकते हो, आप नहीं समझोगे। तो इंसान बुरे नहीं है, हम ख्वाहिशें बुरी नहीं है हमारी, रियल जीना चाहते हैं। हाँ ये भी है कि सब लोग कहते हैं यार प्रैक्टिकल हो जाओ और दुनिया तो ऐसी है। हाँ ठीक है, दुनिया ऐसी है, लेकिन अपन क्यों हो ऐसे? जरूरत है क्या? प्रेशर है क्या? जो भी प्रेशर है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। जो भी प्रेशर है वो हमने खुद से क्रिएट किया अपने ऊपर, समझ रहे हो आप? बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट वी स्पोक अबाउट, कि आसपास यही सब देखने को मिला। लेकिन समझ लो, जिस दिन आप ऐसे सोलो ट्रैवल करते हुए एक दूसरे ऐसे खोए हुए इंसान को मिलोगे, आपको पता है आपको कितना अच्छा लगेगा? आपको पता नहीं है अभी। मैं मिला हूँ एक्चुअली, मैं पहले ट्रिप पे था, मतलब ऐसे खोया हुआ नहीं था, बट ऐसा ही क्या हुआ, कुछ 40-35 साल का बंदा था, तो मेरे साथ ऐसे ही, मैं किसी के घर में रह रहा था, उन्होंने होटल वगैरह बना रखा था, तो एकदम से आए नीचे कॉफी वॉफी पी रहे थे, तो मैंने वैसी बात करनी शुरू कर दी। तो उनका सीन ये रहता था कि थोड़ा टाइम वो अपना काम करते थे और अपना बाइक पे वो निकल जाते थे और अपना खूब फूंकते थे, खूब अपना सिगरेट विगरेट पीना सब कुछ, वो ऑफकोर्स वो मैं सब नहीं करता, बट मेरे को स्टिल। और एक बंदा था जो वहीं का मैनेजर का छोटा भाई था, जिसका डिवोर्स हो चुका था, 40 साल का बंदा था, वो भी मस्त अपना जिंदगी में रहता था। तो मैंने कहा भैया इतने सारे फॉरेनर से आते हैं, क्या कैसा रहता है, कह रहा है इनको फक करता हूँ मैं। तो इतना इतना मजा आया उन लोगों के साथ रहने का, बट ऑफकोर्स उसके बाद मैं कभी मिला नहीं, टच में जरूर हूँ बट कभी मिला नहीं। ये जरूर रहता है कि हाँ उनके साथ मेरा उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, कि क्यों मेरे साथ आज भी वो बात करने को रेडी नहीं है, कि मैं क्यों एक अच्छा इंसान नहीं था। बट उस टाइम पर मैंने कहीं ना कहीं खुद को जिया और उनके साथ पूरा चिल किया, फोटो मैंने कैमरे को साइड में रख दिया, मैंने कहा कैमरा वैमरा छोड़ो, इनके साथ जो है चिल विल करो, झूले वूले जो चिल कर रहे थे, थोड़ा बहुत उनके साथ थोड़ा बहुत फूका, पहली बार ट्राई भी किया, ऑफकोर्स मेरे को पसंद नहीं आया, बट हाँ पूरा इंजॉय किया। ऐसे ही मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया, और कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कहीं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस तरीके की चीजें मैं जरूर ट्राई करूँ। तो वही बात है ना कि ट्रैवल करने टाइम फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक बहुत कॉमन चीज है, जैसे पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत बड़े पॉपुलेशन के सेट्स हैं इन अलग अलग जगहों पे एक पर्टिकुलर टाइप के, जो साल में जैसे 6 महीना काम करते हैं, फिर 6 महीने वो इंडिया, थाईलैंड ऐसे किसी कंट्री चले जाते हैं कि काम नहीं करना 6 महीना, ये जो भी है ये संसार का चोद, ये नहीं करना, जीना है, ठीक है। तो अब वो स्प्लिट में जी रहे हैं, या वो उनका सोल्यूशन है, ठीक है। अपन लकीली थोड़े यंगर साइड पे हैं, जहां पे वी कैन स्टिल फाइंड आउट अ वे कि जो अपने को दिल जिस दिशा में लेके जा रहा है, उधर मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करना समझ पाऊं या मोनेटाइज करना समझ पाऊं, ताकि कम से कम पहले मैं बस अपने खर्चे निकाल पाऊं और एक्सपीरियंस इकट्ठा कर पाऊं। एक्सपीरियंसेस जैसे इकट्ठा करूंगा, नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो होगा ऐसी अलग टाइप के लोगों के साथ, जो या तो वॉन्डरर्स हैं या क्रिएटिव्स हैं, यू नो, या स्पिरिचुअल वाले हैं या योगा वाले हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग, कल्चरल वाले हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के साथ नेटवर्क भी कलेक्ट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, कब कहाँ से कैसे टाइप की अपॉर्चुनिटी आए पता नहीं चलता, ठीक है। साथ में वो सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने बारे में और क्या पहचानने को मिलेगा वो भी नहीं पता चलता वाइल सिटिंग इन रेगुलर लाइफ, ठीक है। तो मेरी तरफ से जहां तक मैंने आपको समझाया है, प्रैक्टिकल लेवल पे आई थिंक डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस फॉर यू, ठीक है। बिकॉज उम्र भी वही है, एनर्जी भी है, शर्म की भी बात नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं अपन अभी, ठीक है। तो इन हर चीजों से प्रैक्टिकली अगर मेरे को कुछ बोलना हो तो वो मैं बोलूंगा, बट अगर मेरे को अदरवाइज फिजिकली बोलना होगा, सॉरी अदरवाइज बोलना होगा, वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उस मुकाम की अंडरस्टैंडिंग बदलते हैं, कि बाहर किसी मुकाम पे जाने के पहले अंदर अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं पहले, फिर बाहर कहाँ जाना है वो अपने आप गाइडेंस आ जाएगी, कैसे जाना है वो भी अपने आप गाइडेंस आ जाएगी, नहीं तो अभी क्या है अपन हाथ पैर मार रहे हैं अंधेरे में, तो कोई समझ नहीं है, ठीक है। समझ आती है खुद को समझने से, समझ दुनिया को समझने से नहीं आती, दुनिया को समझने से ज्यादा तरीके कुछ समझ लोगे, लेकिन अगर वो तरीके काम नहीं किए तो फिर क्या करोगे ना। खुद को अगर समझते हो तो दुनिया में जो मर्जी हो रहा है खुद को हैंडल करना बंदा समझ जाएगा।
सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करना समझ जाएगा, बट स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसके लिए। मैंने भी लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि जितना देर आप ये प्रोसेस और टाइम लगाओगे, तब तक क्या होगा कि अंदर का जो शोर है ना वो बढ़ता जाएगा, अंदर का शोर बढ़ता जाएगा। चाहे आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी कर जाओगे अलग अलग चीजों में, बट अंदर का जो खिंचाव है ना कि यार मेरे को खुद को ढूंढना है या मैं क्या हूं मेरे को वो समझना है, वो शोर बढ़ता जाएगा और दर्द के साथ आता है नॉर्मली। बट आप लकीली ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, मतलब दुनिया खुली है आपके लिए। जैसे किसी नॉर्मल इंसान से ट्रैवलिंग की बात करो ना, उन्हें लगता है ट्रैवलिंग लग्जरी है, उनको ये नहीं समझ में आता ह्यूमंस वर ऑलवेज ट्रैवलर्स। पूरे धरती पे तो ह्यूमन स्पीशीज थी भी नहीं, वो ट्रैवल ट्रैवल करते करते पहुंची है, जब पैसा भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, फाइव स्टार भी नहीं होता था, लेकिन ट्रैवलर्स हम हमेशा से थे। हमारी आत्मा भी भटकती है और हमारा शरीर भी भटकता है और दिमाग भी भटकता है, हम भटकने वाले ही लोग हैं, भटके हुए भोसड़ी वाले हैं हम।